हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन क्वेश्चन पेपर जुलाई 2021 के सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सो फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर वन। सो दिस इज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ कंपनी। इसमें आप देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है कि आपको डिफरेंट एसेट्स हमें मेंशन किए हैं, उसकी हम डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो दिस आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यू कैन सी। उसमें देखिए हमारे ये बन जाएंगे ब्लॉक 1, 2, 3, 4, चार ब्लॉक बन जाएंगे। इनमें एसेट्स हैं, नंबर वन फैक्ट्री बिल्डिंग, सेकंड ब्लॉक में प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर, थर्ड ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी अदर आइटम्स, देन वी हैव इनटेंजिबल एसेट्स जिसे जो फोर्थ ब्लॉक, और इनके रेट को डेफिनेशन हमने मेंशन कर दी है। फैक्ट्री बिल्डिंग का रेट है 10%, कंप्यूटर 40%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, इनटेंजिबल एसेट्स 25%। फिर आप देखिए, आपको सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू डी बी दे रखी है, डिफरेंट आइटम्स की डब्ल्यू डी बी ऑन 1 अप्रैल 2020। फैक्ट्री बिल्डिंग 1200 लैक्स रुपीज लैक्स में चल रही है आपके, यानी कि जो गिवन कंप्यूटर्स 50, देन ऑफिस अप्लायंसेज 30, ट्रैक्टर्स जो आपके यूज हो रहे हैं विजन का फैक्ट्री जिसे जो 20, एंड देन इधर जो प्लांट है मशीनरी 100। फिर आपको एडिशन दे रखी हैं, डिफरेंट आइटम्स आपने परचेज किए हैं वो हमने मेंशन किए हैं एज कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग 1 नवंबर 2020 300, कंप्यूटर्स हैं 1 मई 2020 जिसे 25, ट्रक 1 फरवरी 2021 25, एंड जो प्लांट की मशीनरी 1 फरवरी 2021 500। तो इनटेंजिबल एसेट है आपकी, एक्सपेंडिचर किया है आपने ऑन ग्रांट ऑफ ISO 9001 सर्टिफिकेट, एंड दिस इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड एसेट शेड्यूल एज इनटेंजिबल एसेट। सो विच इज गिवन टू बी अवर 10। तो इसका टोटल कर लीजिए, अब आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो जैसे जो 1200 ओपनिंग बैलेंस ओवर पूरे साल के, और जो नई बिल्डिंग आपने एक्वायर की है उसके ऊपर आपको मिलेगी हाफ डेप्रिसिएशन, बिको जिस लेस में बने की गई नवंबर में 300 × 10% हाफ टोटली 135। सिमिलरली 50, 25 जो आपने एक्वायर किए हैं 1 मई है तो उसमें पूरे साल की मिल जाएगी आपको 40%, एंड अगर प्लांट की मशीनरी 150 पूरे साल की मिलेगी, और जो नई आपने मशीनरी एक्वायर की है ट्रक एंड मशीनरी जिसे 1 फरवरी 2021 तो उस पर मिलेगी आपको हाफ, तो जिसे 525 × 15% × हाफ। और प्लस जो नई मशीनरी आपने एक्वायर की है ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, विच जैसे जो 500 उस पर आपको मिलेगी एडिशनल डेप्रिसिएशन आल्सो। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसके ऊपर आपको एडिशनल नहीं मिलेगी 500 × 20%, ये भी मिलेगी आपको हाफ। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर आपको मिलेगी 25% डेप्रिसिएशन। तो दिस वे वी गेट अ टोटल डेप्रिसिएशन 135 है आपकी 166.875 प्लस एडिशनल 50 × 2.5 दिस वन, एंड इसका ये टोटल आ रहा है 384.375। सो दिस विल बी अवर अलाउड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 32। अब स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ कंपनी। नेक्स्ट वी लेट अस कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ कंपनी, एंड दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर 2020। दिस गैकल रुपीज इन लैक्स। तो सबसे पहले आपको लेना है नेट प्रॉफिट विच इज गिवन एज पर पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको मेंशन किया गई थी 1000 लैक्स, देन वी हैव टू एड बैक दिस अलाउड एक्सपेंसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डेप्रिसिएशन जो आपने जैकेट कर रखी है पी एंड एल में, सो जैसे गिवन 350। फिर आपको मेंशन किया है जैसे जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिसर्च रिसर्च एसोसिएशन, और एक हमें ये भी पॉइंट मेंशन किया है लास्ट में जैक जो इसकी रिकॉग्निशन की दिस हैज बीन विथड्रॉन बाय द एंड ऑफ ईयर, दिस इज अलाउड। सो इवन इफ रिकॉग्निशन विथड्रॉन लेकर ऑन, इट मीन्स इट इज अलाउड जिस लोग डिस अलाउड, देन वी हैव इंटरेस्ट लोन जो आपने पे किया है
इंटरनेशनल लोन टू एनबीएफसी, तो किसी नोट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सो इट इज दिस अलाउड इन सेक्शन 43B. सो दिस यू कैन सी हाउ मच इज लोन 350 इनटू 8% इनटू 11 मंथ्स. सो दिस इज 25.667. फिर आपने एक सैलरी पे की है टू फॉरेन टेक्नीशियन, सैलरी टू फॉरेन टेक्नीशियन, दिस इज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. तो ये आप क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स. तो जो गिस अलाउड, दिस इज 100 लाख. डोनेशन भी है आपने पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज गिस अलाउड, डेट इज रुपीज 10 लाख. तो डोनेशन की आपको रिडक्शन मिल जाएगी, और जो सैलरी आप पे कर रहे हैं टेक्नीशियन को इंस्टॉलेशन के लिए, वो हमारी कैपिटलाइज होनी चाहिए. बट दिस इज ऑल्सो नोट कैपिटलाइज, और हमने डेप्रिसिएशन के लिए कैपिटलाइज भी नहीं किया है, बिकॉज टीडीएस इज नोट डिडक्टेड. तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिस अलाउड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40A(3). बिकॉज दिस सैलरी पेड विदाउट टीडीएस, तो इट मीन्स पहली बात में कि रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज दिस इज नोट पेड बिकॉज टीडीएस इज नोट डिडक्टेड. डोनेशन आपकी जिस लाओगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी. सो गैन वी हैव जनरल एक्सपेंसिज हैं आपके, टू ब्रिंग वाटर, टू विलेज वेयर फैक्ट्री सेटअप, तो जिस इज नेसेसरी एक्सपेंस फॉर बिगनर पर्पज, सो दिस इज अलाउड, वी कैन नोट दिस अलाउड. फिर इसी तरीके से आपको और एक्सपेंस दिया है परचेज ऑफ कोल. कोल आपने परचेज किया है, बट उसका जो इन्वाइस है वो नहीं है, बट आपके पास एविडेंस है दैट पेमेंट हैज बीन मेड एंड क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ सप्लायर, सो इट विल बी अलाउड. सो इट इज ऑल्सो अलाउड. और लेस कर लीजिए अब आपको जो अलाउड डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की थी, विच इज अवर अलाउएबल एक्सपेंसिज. सो हियर इट इज डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32. सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड 384.375, ये आपकी माइनस हो जाएगी. सो दिस विल बिकम ग्रोस टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी विच इज 1101.292. पर एक आपको डिडक्शन मिल जाएगी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, वो आप लेस कर लीजिए. डिडक्शन जो सेक्शन 80GB फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 10 लाख. सो बैलेंस इज अवर इनकम, तो ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनी. तो आपको सिर्फ इनकम कैलकुलेट करनी है एंड नो टू टैक्स लाइबिलिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2A(2). सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड आफ्टर अमलगमेशन ऑफ कंपनी. तो इट इज बेस्ड ऑन केस लॉ, तो लेट अस सी कौन सा मैंने मेंशन किया है इसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्ट सेक्शन 139 सब सेक्शन 5, द रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 16-7 कैन बी फाइल बिफोर 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर. ये असेसमेंट ईयर है 16-7 की, उसके बाद एक साल का टाइम आपको और मिलता है, इट मीन दैट यू कैन फाइल अप टू 31 मार्च 2018. एंड फर्दर एक्ट सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 पार्ट क्लॉज बी, वी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न सो आफ्टर दिस अवर ड्यू डेट विच इज अवर मैक्सिमम डेट अलाउड. सो आफ्टर परमिशन फ्रॉम CBDT फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, और इसलिए आपको रिवाइज रिटर्न लेट फाइल करनी है, तो जैसे जितना टाइम अलाउड था उसके बाद फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी CBDT से. एंड सेक्शन 170 सब सेक्शन 1 इट आल्सो प्रोवाइज इन केस ऑफ अमलगमेशन द सक्सेसर मीन्स जो आपकी नई कंपनी है, सो इट शैल बी टैक्सेबल फॉर इनकम आफ्टर डेट ऑफ सक्सेशन.
कुक में सब प्रॉब्लम ये है कि इस केस में अब अमेलगामेशन के बाद हमने रिवाइज रिटर्न फाइल की है, बट गैटली आफ्टर अवर जैसे ड्यू डेट जो अलाउड थी हमें सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में, और उसके लिए हमने कोई परमिशन भी नहीं ली सी बी डी टी से अंडर सेक्शन 119, तो डायरेक्टली अलाउड ना हो। तो इसकी जो फैक्ट्स हैं जिसे जो सिमिलर कोई केस लॉ, सो डालमिया पावर लिमिटेड वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2020, उसमें ये मेंशन किया गया था कि जब आपका अमलगामेशन हो रही है इट विल टेक सम टाइम, इट मीन सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल सिंस रिवाइज रिटर्न इज नॉट फॉर ओमिशन और रोंग। तो ये कोई सेक्शन 139 5 है, ये हो क्या कि ये पुरानी रिटर्न आपकी रोंग हो गई है या कोई ओमिशन एरर हो गई है तब हम रिवाइज करते हैं, बट अमलगामेशन में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ओमिशन नहीं है, कोई रोंग नहीं है, इट मीन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो जब ये सेशन अप्लाई नहीं होगा फिर हमें परमिशन की भी जरूरत नहीं है, इट मीन सेशन 119 को भी ए ऑल्सो नो पे एप्लीकेबल। तो हैंस इट हेल्ड दैट असेसिंग ऑफिसर मस्ट एक्सेप्ट रिवाइज रिटर्न एंड असेस इनकम आफ्टर अमलगामेशन इवन गो इट इज आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। तो यही आपको मेंशन करना है, मेन पॉइंट है कि कौन सा केस लॉ आपका एप्लीकेबल। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन सेकंड ए पार्ट में, एक दूसरी ऑप्शन है आपके पास और तो किसी आल्सो बेस्ड ऑन केस लॉ, उसका भी आंसर देखो मैंने मेंशन कर दिया। इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपकी स्क्रूटनी के बेस पर कुछ इनकम आपकी जो है वो अंडर एस्टिमेटेड है, सो गैटली गैटली, बट मेन क्वेश्चन ये रहा है असेसिंग ऑफिसर प्रपोज टू चेंज द स्टेटस एज एओपी एंड कंप्लीट द असेसमेंट। तो पहले ये इंडिविजुअल पर्सन है तो असेसिंग ऑफिसर को चेंज करना चाहता है एओपी, डिस्कस बैगर प्रपोजल ऑफ एओ असेसिंग ऑफिसर को चेंज द स्टेटस है एओपी करेक्ट इन लॉ। तो उसका भी केस लॉ है, देखते हैं कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो स्टेटस चेंज कर सकता है असेसी का। तो देयर इज अ केस लॉ मेगा ट्रेंड्स इन कॉरपोरेशन वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2016। सो इन दिस केस लॉ इट हैज बीन हेल्ड दैट द पावर टू चेंज द स्टेटस ऑफ असेसी इज अवेलेबल टू द असेसिंग अथॉरिटी। असेसिंग अथॉरिटी मीन असेसिंग ऑफिसर, एंड व्हेन इट इज नॉट यूज्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर देन द अपीलिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू यूज सच पावर एंड चेंज द स्टेटस ऑफ असेसी। उस केस में इन्होंने पूछा असेसिंग ऑफिसर, यस असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है आपकी कि वो चेंज कर सकते हैं, तो हैंस इन द गिवन केस द असेसिंग ऑफिसर हैज पावर एंड कैन चेंज द स्टेटस ऑफ असेसी एज एओपी एंड देन कंप्लीट द असेसमेंट। फिर उसके बेस पर वो जितनी भी इनकम जिस अलाउड है वो आपकी इनकम में ऐड करके और उसके बेस पर आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो सकती है। सो यस असेसिंग ऑफिसर हैज पावर, ये सिंपल क्वेश्चन था ये सिर्फ केस लॉ के बेस पे। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी पार्ट, तो किसी आल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया इसका आंसर, लेट अस सी। उस क्वेश्चन में देखिए पहले आपको ये मेंशन किया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने आपकी रीअसेसमेंट कर लिया इनके सेक्शन 147, और उसके जो रीजंस के फॉर रीअसेसमेंट के दैट हैज बीन गिवन टू द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेसी हु कैन बी एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हु व्हाटएवर। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने रीजंस जो थे ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक्सप्लेन कर दिए हैं बट नोट टू असेसी देन वेदर दिस कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज वैलिड और नोट, को जो अब आपका असेसी है उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है दैट दिस रीअसेसमेंट जो है दिस इज नॉट वैलिड, तो लेके सी वही आंसर। सो इनका गिवन केस का असेसिंग ऑफिसर है जो कम्प्लीटली का रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 आफ्टर शोइंग द रीजंस टू द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेसी, तो वेदर की वैल्यू को नोट। So since authorized representative is acting on behalf of assessee, it means the reasons for completion of assessment by the assessing officer which are given or shown to the authorized representative would mean that reasons have been properly implemented to the assessee. तो जब हमने उसको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को एक्सप्लेन कर दिए हैं रीजंस, इट मीन्स दीज हैव बीन प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द असेसी, तो ये आपके प्रॉपरली इंटीमेशन माना जाएगा टू असेसी थ्रू हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, हैंस कंप्लीशन ऑफ रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 इज वैलिड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज नॉट ट्रिकी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड सी पार्ट,
दिस क्वेश्चन इज ऑफ ए पर्सन हु वाज प्रीवियसली नॉन रेजिडेंट बट बिकम्स रेजिडेंट इन करंट प्रीवियस ईयर एंड ही हैज इनकम्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। तो आपको दो इनकम्स दिए हैं, कुछ सैलरी आपको दे रखी है, उसके टैक्सी आपको दिए हैं जो फॉरेन कंट्री में उसने पे किए हैं, फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स है और टेलीग्राफी ट्रांसफर का आपको बाइंग रेट दिया है। और एक उसकी दूसरी इनकम है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दैट ही आल्सो इन यूएसए। इसमें ये दो इनकम है, सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम इन फॉरेन कंट्री। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, दे आर सेइंग दैट टैक्सेस कवर्ड फॉर क्रेडिट आर ओनली फेडरल इनकम टैक्सेस इम्पोज्ड बाय इंटरनल रेवेन्यू कोड बट एक्सक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस। सिर्फ आपको जो क्रेडिट मिलेगा जैसे ऑफ फेडरल इनकम टैक्सेस। पर आप देखेंगे क्वेश्चन में ना तीन टैक्सेस दिए हैं, फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो स्टेट टैक्स के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, हम नॉर्मल एग्जम्पशन ले रहे हैं दैट क्रेडिट इज फॉर फेडरल टैक्स ओनली। तो सेकंड आपको ये भी मेंशन किया है कि आपने रिटर्न जो है ड्यू डेट 25 अगस्त को फाइल कर दी है टाइम पर एंड वी हैव टू कंप्यूट टैक्स पेबल इफ एनी बाय मिस्टर राम आई यूम जैके टैक्स एक्ट सेशन 115 BAC इज ऑप्टेड। तो आपने जो सेशन अप्लाई करना है सेशन 115 BAC, तो इस स्कीम के अंदर हम टैक्सेशन पे कर रहे हैं और फर्दर आप मेंशन कीजिए इस स्कीम में अब आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम अंडर सेशन 16 और आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर सेशन 18 में एंड AMT इज नॉट एप्लीकेबल, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। अब आपको जो इनकम्स दी हैं उसकी सैलरी इनकम आपको दी है करंट प्रीवियस ईयर में फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी ओनली। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी कितनी टोटल इनकम बन रही है और इंडिया में कितना टैक्स बन रहा है। तो लेके से वर्किंग टोटल इनकम, तो फर्स्ट इनकम है आपकी फ्रॉम सैलरी। ये देखो आपको मेंशन किया है जिसे जो फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी हम कंसीडर कर रहे हैं, जनवरी के बाद का डाटा हमें मेंशन नहीं किया है। ये आपको दिया है डॉलर्स में $6,250 और ये बन जाएंगे आपके 10 मंथ्स। और इसका जो रेट चल रहा है सभी मंथ्स में सेम ही चल रहा है आपका 72 रुपीज़, तो इनको कर लीजिए आप रुपीज 72। तो दिस विल बी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जिसे जो बिकमिंग 45 लाख, ये रुपीज में आ गई है आपकी। फिर आपकी इनकम है अगर सोर्सिंग में, अब आपको कोई इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मिलेगी सैलरी में, अगर सोर्सिंग में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट तो उसका अमाउंट आपको दिया है जैसे जो $200 एंड 220 जिसे जो बिकमिंग $420। इसको भी हमने लेना था जो प्रीसीडिंग मंथ से जो रेट है जैसे सेम 72 रुपीज। तो जिस इंटरेस्ट इनकम में जो बिकमिंग 30240, तो ये आपकी टोटल इनकम बन जाएगी 45,30240। अब इसके बेस पर आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया, और हमने अप्लाई करना है सेक्शन 115 BAC। उसका रूल ये है कि फर्स्ट 250 के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं है जैसे नील, यानी नेक्स्ट 250 इक्वल 5%, यानी नेक्स्ट 250 इक्वल 10%, यानी नेक्स्ट 250 इक्वल 15%, नेक्स्ट 250 इक्वल 20%, यानी नेक्स्ट 250 इक्वल 25%। ये टोटल बन गया आपका 15 लाख, बैलेंस रह जाएगा अब आपका 30 लाख, 30,000 240, और इसके ऊपर टैक्स है अब आपका 20%। तो जिस टोटल टैक्स यू कैन सी तो जिस यू बिकमिंग 1096
572, और उसमें आप प्लस कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट ऑफ 4%। आफ्टर इंक्लूडिंग टोटल टैक्स लाइबिलिटी 1140 435, ये हमारा टैक्स है जो आपको पे करने हैं। अब इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी एवरेज टैक्स रेट कितना है इंडिया में, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, तो दिस विल बी अबर 1140 435, और टोटल जो इनकम है इंडिया में जिसे जो 45 30 240 200। सो एवरेज रेट इज कमिंग टू बी 25.174%, ये हमारा एवरेज रहेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपको फॉरेन टैक्स का क्रेडिट कितना मिलेगा। अब हम डिटरमिन कर रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, मीन्स नेक्स्ट आपको डिटरमिन करना है वो कि फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसका रूल ये है कि जब आपकी एक कंट्री से डिफरेंट सोर्सेज है इनकम के, तो सभी का क्रेडिट हम सेपरेटली कैलकुलेट करके हैं, तो हम इसमें अब ड्रॉ कर रहे हैं। हमारी दो इनकम्स हैं, एक तो सैलरी की इनकम है आपकी और एक इंटरेस्ट इनकम है आपकी एंड टोटल लेके से वट वाज टैक्सेबल इनकम विच इज आल्सो कॉल्ड सो डबली टैक्स्ड इनकम। तो जिस इनकम के ऊपर डबल टैक्स लग रहा है, तो सैलरी वाज 45 लाख और जो इंटरेस्ट इनकम है 30240, टोटल इज 45 30240, तो लेस आपको मिलेगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये आपको मिलेगा विच एवरेज लोअर, तो एक को आपने लिखना है बाकी जो फॉरेन टैक्स जो आपने एक्चुअल में पे किया है, फॉरेन टैक्स पेड। तो आप देखेंगे सैलरी का हमें मेंशन किया है 1600 फेडरल टैक्स हम पे कर रहे हैं, 10 महीने का है और रेट है आपका 72 रुपीज, तो इसका अमाउंट आपका बन रहा है जिसे 1152 हो गया। फिर आपको देखना है इंडियन टैक्स कितना है आपका, जितनी इनकम है डबल टैक्स 45 लाख और उसके ऊपर ये हमारा है एवरेज टैक्स रेट 25.174%। तो किसी ऊपर इंडियन टैक्स जैसे 1132 8 30, तो विच एवरेज लो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, किसी के अलाउ गए क्रेडिट। ऐसे देखिए इंटरेस्ट इनकम में, उसमें हमें जो टैक्स डिडक्ट हुआ है हमारा जैकेट 20 प्लस $22, तो उसका रेट भी यही है 72 रुपीज। जैसे कि फॉरेन टैक्स जो आपने पे कर दिया है जैसे 3024, और इस इनकम के ऊपर देखिए आपका एवरेज रेट कितना है 30240, सो इनको अबर 25.174%। सो दिस अमाउंट इज कमिंग टू बी अबर 7605, विच एवरेज लो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी टैक्स लाइबिलिटी, इट मीन्स नाउ यू कैन राइट सो टोटल टैक्स इन इंडिया जिसे 1140 435 लेस आपको मिलेगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन सैलरी इनकम 1132 8 30 एंड ऑन इंटरेस्ट इनकम 302। तो ये आप लेस कीजिए 854 एंड 1135, तो बैलेंस टैक्स है जो आपको पे करना है, सो दिस विल बी टैक्स पेएबल। तो दिस बैलेंस टैक्स पेएबल इज कमिंग 458 मंथ। फिर आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 10 के मल्टीपल में, इट मीन्स फाइनली दिस टैक्स इज 4580 इज अवर टैक्स लाइबिलिटी।
जिसका गुड पोस्ट है, इसमें दो सोर्सेज ऑफ इनकम है, सैलरी एंड जो इंटरेस्ट इनकम, जिसका फॉरन टैक्स रेट हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेकर सी क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स इन्वेस्टर्स हु आर आल्सो कॉल्ड यूनिट होल्डर्स। तो पहले कैलकुलेट करके हैं टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड जिसे जो प्रीवियस ईयर ही कवर 2021। तो लेकर सी फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिया इसकी बिजनेस इनकम, विच मीन्स जिस विल कम हेड ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो फर्स्ट वी हैव बिजनेस इनकम। सो दिस इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, अमाउंट गिवन इन रुपीज 20 लाख। सेकेंड वी हैव इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। सो देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिस इज ऑफ रुपीज 30 लैक्स। दिस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड ऑफ इनकम, सो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड, इट मीन्स लॉस विल रिमेन सेम 30 लैक्स। एंड फर्दर दिस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड ऑल्सो दिस कैन नॉट बी कैरी टू फॉरवर्ड एट फंड लेवल, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट फंड कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इज लॉस इन इट्स ओन हैंड्स। सो दिस इनकम इज नील। देन वी हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो दिस इनकम इज गिवन टू बी 40 लाख रुपीज, इनकम ऑफ रुपीज 40 लाख। बट दिस इनकम इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, सो इट मीन्स लेस एग्जम्प्ट। सो दिस इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(23)(FBA). सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। सो टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड विच इज टैक्सेबल इज 20 लाख। फिर आपको कैलकुलेट करनी है यूनिक होल्डर की इनकम। उसके लिए कैलकुलेट करके हैं बाकी इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज पर यूनिक होल्डर। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इनकम ऑफ यूनिक होल्डर्स। अब इसमें आपको दो तरह के ये रखे हैं यूनिक होल्डर, जिन्होंने यूनिक्स होल्ड किए हैं फॉर लेस दैन 12 मंथ एंड फॉर मोर दैन 12 मंथ। तो पहले कैलकुलेट करके हैं इनकम ऑफ यूनिक होल्डर किसी के पर यूनिक होल्डर। तो आपके पास तीन सोर्सेज हैं, नंबर वन बिजनेस इनकम, सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड अदर इनकम। क्योंकि बिजनेस इनकम आपने कैलकुलेट किया है टोटल 20 लाख, और जो टोटल यूनिक होल्डर्स हैं वो आपको दिए हैं 20 यूनिक होल्डर्स। इतनी पर यूनिक होल्डर आपकी इनकम आ जाएगी 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आपका 30 लाख, यूनिक होल्डर सर 20, पर यूनिक होल्डर लॉस है आपका 1,50,000। अगर सोर्सेज इनकम है आपकी 40 लाख, यूनिक होल्डर सर 20, पर यूनिक होल्डर की इनकम भी 2 लाख। तो ये अभी पर यूनिक होल्डर आ गई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम ऑफ ईच यूनिक होल्डर। इसके लिए आपको देखो यूनिक होल्डर्स दिए हैं, दो कैटेगरीज में हैं। नंबर वन है यूनिक होल्डर्स होल्डिंग यूनिक्स फॉर लेस दैन 12 मंथ्स, सो एज ऑन 31st March 2021। सेकेंड वी हैव यूनिक होल्डर्स होल्डिंग यूनिक्स फॉर ग्रेटर दैन 12 मंथ्स, सो एज ऑन 31st March 2021। तो सबसे पहले आके उनकी बिजनेस इनकम, ये आपने कैलकुलेट किया है रुपीज 1 लाख पर यूनिक होल्डर। बट जिस बिजनेस इनकम इज एग्जम्प्ट, जिस इज एग्जम्प्ट फॉर यूनिक होल्डर अंडर सेक्शन 10(23)
FBB, तो ये दोनों के लिए ही आपकी एग्जम्प्ट होती है, सो दिस इज नॉट टैक्सेबल। तो नेक्स्ट आती है अब आपकी कैपिटल गेन की इनकम, और इस केस में अब आपका आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसमें अब आपके पास देखो दो यूनिक होल्डर्स हैं, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी दूसरे हेज में से, इट मीन्स ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए यूनिक होल्डर के पास यूनिक्स हैं फॉर लेस देन 12 मंथ्स, सो दिस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। सो दिस यूनिक होल्डर इज नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड सो दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो यूनिक होल्डर को अलाउड नहीं है क्योंकि इसके पास यूनिट्स हैं फॉर लेस दैन 12 मंथ्स, सो दिस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय यूनिक होल्डर। एंड अंडर सेक्शन 115, तो इसका सेक्शन है 115 जिसे ये UB सब सेक्शन है 2। पर जो दूसरे यूनिक होल्डर हैं जिनके पास यूनिट्स जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स से ज़्यादा हो गया जिनको टाइम, सो दे कैन कैरी फॉरवर्ड, सो दे आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ हाउ मच रुपीज 1,50,000। तो ये लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स में, और फिर आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम इसे सेटअप हो जाएगा। इट मीन्स गैन वी हैव अदर सोर्सेज की आपकी इनकम है, सो अदर सोर्सेज बटी अवर इनकम किसी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ यूनिक होल्डर दैट इज रुपीज 2 lakhs एंड किसी ज़्यादा रुपये की 2 lakhs। अब जो कैपिटल लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा आपका दूसरी इनकम से, तो उसमें इसकी इनकम जो है ये भी 2 lakhs रहेगी टोटल इनकम पर यूनिक होल्डर। इस केस में भी इसमें अलाउ भी नहीं है कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसकी इनकम भी 2 lakhs ही रहेगी ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, बिजनेस इनकम आपकी एग्जम होती है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ए में फर्गर, उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट पूछा है, अब कुछ भी इम्प्लीकेशन इन दी हैंड्स ऑफ यूनिक होल्डर्स इफ इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट ओनली 80% ऑफ इस इनकम टू द यूनिक होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। उसका एक थ्योरेटिकल आंसर है, थ्योरेटिकल उसमें बेसिक रूल ये है कि तो इवन गो 80% इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट 100% इनकम विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ यूनिक होल्डर। तो लेके से इसका रूल देखते हैं क्या है, मैंशन किया है मैंने, तो एक्ट सेक्शन 115 UB सब सेक्शन 6, सो एक प्रोवाइड है तो इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू एन इन्वेस्टमेंट फंड ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर इफ नोट पेड और क्रेडिटेड टू यूनिक होल्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ यूनिक होल्डर ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपकी डीम को भी क्रेडिटेड मानी जाएगी एंड हेंस इट इज टैक्सेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन, सो इफ फंड डिस्ट्रीब्यूट ओनली 80% ऑफ इनकम इवन देन 100% ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ यूनिक होल्डर, यानी कि टोटल इनकम जो आपने अभी पहले कैलकुलेट की है वो आपकी सेम रहेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद अ नॉन रेजिडेंट कंपनी और उसकी कुछ इनकम्स आपको दे रखी हैं, सो यू हैव टू कंप्यूट व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इट मीन्स ये आपको कंपनी दे रखी है जिसे कैरी लिमिटेड एंड दिस इज नॉन रेजिडेंट कंपनी गिवन टू बी जर्मन कंपनी। तो पहले कैलकुलेट करते हैं इसकी इनकम और देन वी हैव टू कैलकुलेट इट्स टैक्स लायबिलिटी। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर इज अवर 2021 और अमाउंट्स आपको चल रहे हैं रुपीज में। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फर्स्ट लेटर से शो प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसकी इनकम देखो आपको कैलकुलेट करके दे रखी है बिजनेस इनकम, तो किसी गिवन को भी रुपीज 8 lakhs। तो गैन वी हैव अगर इनकम्स हैं विच आर टैक्सेबल अंडर हैड अगर सोर्सेज, सो फर्स्ट वी हैव डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड इंडियन कंपनी
बिगिन फ्रॉम लिस्टेड इंडियन कंपनी. सो दिस विल बी अवर टैक्सेबल. सो एट द रेट ऑफ 20% एंड दिस सेशन 115A. उसका सब सेशन भी हम मेंशन कर सकते हैं. सब सेशन 1 है, क्लोज ए है और डायरेक्टली यू राइट ओनली दिस सेक्शन. सो दिस इनकम इज 12,50,000. देन दिस कंपनी है जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. सो फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ. एंड दिस विल बी दिस इज पेड इन काइंड नो इन कैश. इट मीन्स कंसीडरेशन इज इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स. तो कंपनी को ये जो रॉयल्टी मिल रही है, फीस मिल रही है टेक्निकल सर्विस की, ये आपको काइंड में मिल रही है. दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल एंड दिस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% एंड सेशन 115A. तो इसका जो अमाउंट है एग्जैक्टली गिवन 20 लाख. तो आपको 20 लाख के डिबेंचर्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड दिस इज टैक्सेबल. अब इस डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा एग्जैक्टली ऑल्सो टैक्सेबल. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 20 लाख के आपको डिबेंचर्स मिले हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8% एंड टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ्स. दिस इज योर 80,000. सो दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%. सो दिस इज अंडर सेशन 115A. Then we are getting dividend on GGRs of Indian company under scheme of central government which are acquired in foreign currency. Dividends on GGR. So these are taxable at the rate of 10%. So under session 115AC. Kiska session hai 115AC. Dividends aapko mil rahe hain GGR ke upar. सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज 5,50,000. देन वी आर गेटिंग रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी एज पर एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज ऑल्सो एज पर एग्रीमेंट जो अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सो दिस विल बी टैक्सेबल. सो दिस इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. इसका रेट है अंडर सेशन जिसे 115A. बट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का भी रेट है जिसे एट द रेट ऑफ 12%. सो अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को आपको रेट लेना है विच एवर मोर फेवरेबल टू एस एस ए. इट मीन्स इट विल बी टैक्सेबल एट 10%. सो दिस इनकम इज अवर 10 लैक्स. तो उसका टोटल कर लीजिए. तो दिस विल बिकम टोटल इनकम ऑफ कंपनी. तो दिस इज कमिंग 56,80,000. अब आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट लेटेस्ट कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दिस नॉन रेजिडेंट कंपनी. अब देखिए डिफरेंट इनकम्स हैं जिसका मैंने टैक्स रेट मेंशन कर दिया है. लाइक सबसे पहले आपके यहाँ क्या डिविडेंड जिसे टैक्सेबल इनके सेशन बनाए जो 15 है, इसका रेट है 20%. तो टोटल इनकम है आपकी 12,50,000. सो टैक्स रेट है जो 20%, अमाउंट की 2,50,000. सेकेंड इनकम है फिर आपकी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. सो जिसे आपको टैक्सेबल एग्जा रेट को 10%. 20 लाख की आपकी फीस है, टैक्सेबल एग्जा रेट को 10%, बिकेगी 2 लैक्स. Then we have interest on debentures. This is 80,000. So this is taxable at the rate of 20%, 16,000. Then dividend on GDR. So
जिस डिविजन की इनकम इज 5,50,000, जिस टैक्सेबल एग्जर रेट ऑफ 10%, 55,000 इज अवर टैक्स लाइबिलिटी। तो जिस वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी इन रुपीज। देन वी हैव रॉयल्टी इनकम, सो दिस इज 10 लाख, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल एग्जर रेट ऑफ 10%। फिर आपकी रह जाती है बैलेंस इनकम, दिस इज बिजनेस इनकम, जिस मनी जो अवर बैलेंस बिजनेस इनकम। अब जो रिमेनिंग इनकम्स होती हैं नॉन एजेंट की, वो टैक्सेबल होती हैं एग्जर रेट ऑफ 40%। सो बिजनेस इनकम है आपकी 1 लाख, एक टैक्सेबल एग्जर रेट ऑफ 40%, सो टैक्स इज 3.3। सो दिस विल बी कॉर्पोरेट टैक्स। आपकी टोटल इनकम है नॉन एजेंट कंपनी की किसी बिलो 1 करोड़, सो सर चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, टोटल टैक्स 941,000। इसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एग्जर रेट ऑफ 4%, सो दिस इज कमिंग 37,640। सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दिस कंपनी 978,648। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेगेसी क्वेश्चन नंबर 4A पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, एंड वी हैव टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ दिस ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। इट मीन्स ट्रस्ट इज दिस इज तुलसी फाउंडेशन, तो ट्रस्ट की इनकम में सबसे पहले मेन जो रोल होता है एनोनिमस डोनेशन, तो वो देखते हैं हम उसकी आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी, कितनी टैक्सेबल है। तो पहले हम यही कैलकुलेट करने हैं, तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 BBC। इसमें आप देखिए तो कितनी डोनेशन होती है विच इज नॉट टैक्सेबल, डोनेशन एनोनिमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इसकी दो लिमिट्स हैं, यू टेक रुपीज 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन, वो आपको दिए 35 लाख, विच इज 175,000, विच एवर इज हायर। तो इट मीन्स 175 अब आपकी टैक्सेबल नहीं है एट द रेट ऑफ 30%। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको एनोनिमस डोनेशन मिल रही है फॉर चैरिटेबल पर्पज जिस इज 2 लाख की, सो हाउ मच डोनेशन इज सो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। अब ये कैलकुलेट हो जाएगी आपकी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। टोटल देखो डोनेशन मिली आपको 2 लाख फॉर चैरिटेबल पर्पज, ओनली चैरिटेबल लेनी है आपने, माइनस 175 आपकी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, तो ओनली रुपीज 25 होगी। तो ये पहले हमने इसका वर्किंग नोट बना लिया है। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम, लेके सी टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट अमाउंट्स आपके हैं रुपीज में। तो सबसे पहले आती है चैरिटेबल एक्टिविटी से कितनी इनकम है, विच इज अवर हॉस्पिटल एक्टिविटी, इसमें आपको मेंशन किए हैं ग्रोस रिसीट्स डेट इज 200 लाख, लेस कर लीजिए आप हॉस्पिटल के जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसिज हैं, एक्सपेंसिज आपको मेंशन किए हैं 94 लाख, पर कुछ एक्सपेंसिज हैं जो आपने कैश में पे कर लिए हैं, तो डेट इज डिसअलाउड, तो कुछ आपके डिसअलाउड हो जाएंगे अंडर सेशन 48(3). ये कैश में आपने पे किए 6 लाख, इट मीन्स 88 लाख इज अवर अलाउड एक्सपेंसिज, बैलेंस आपकी इनकम आ जाएगी 112 लाख फ्रॉम चैरिटेबल एक्टिविटी। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए
जो आपको डोनेशन मिल रही हैं. नंबर वन वी हैव अनोनिमस डोनेशन, ये आपको मिल रही है चैरिटेबल के लिए, और एक मिल रही है आपको रिलीजियस एक्टिविटी के लिए. तो पहले हम दोनों ऐड करेंगे. चैरिटेबल है आपकी 2 लैक्स, रिलीजियस इज 8 लैक्स. फिर आ गई आपकी अदर डोनेशन, एक्सेप्ट कॉर्पस डोनेशन. कॉर्पस डोनेशन है जैसे अब आपकी 5 लैख. कॉर्पस डोनेशन भी आपकी देखो 35 लैख, उसमें से 10 ये माइनस हो गया, रह गया 25. 25 में से कॉर्पस आपकी लेस होगी 5, तो इट मीन्स टोटल 35 है, माइनस 2 माइनस 8 माइनस 5, बैलेंस रह जाएगी आपकी 20 लैख, वो अदर डोनेशन है आपकी. अब आप लेस कर लीजिए अनोनिमस डोनेशन जो चैरिटेबल पर्पज की है, विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, विच इज 25 हो गए. इट मीन्स अनोनिमस डोनेशन विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 BBC, जिसे 25 हो गई, वो बैलेंस आपकी इनकम आ जाएगी, बैलेंस इनकम. सो जिस पे जाकर 141,75,000. अब ये आपकी टोटल इनकम बन गई टोटल. अब इसमें आपको कुछ एग्जम्पशन मिलेगी जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन जिसे हम कहते हैं, एक तरीके से कहते जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11(1)(a) जिसे जो एट द रेट ऑफ 15%. तो 15% ऑफ जिस 21, 26 250, सो बैलेंस भी गया तो 120, 48,750. इसमें से हम लेस करेंगे जो आपने अपनी इनकम अप्लाई कर की है फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़. सो लेट मी राइट दिस टोटल, जो बैलेंस आपका है देखिए 120,48,750. अब इसमें से हम लेस कर रहे हैं देखिए कहा गया एप्लीकेशन ऑफ इनकम, देखिए जो आपको 85%, तो आप देखिए एप्लीकेशन है आपने अप्लाई की है फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ टेंपल, उसके आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं 15 लाख, ये आपकी एप्लीकेशन मानी जाएगी फॉर रिलीजियस एक्टिविटी. फिर आपने एक न्यू कंप्यूटर परचेज किया है, न्यू कंप्यूटर परचेज, ये भी आपकी एसेट परचेज जो हो रही है एप्लीकेशन मानी जाएगी. फिर एक आपने डोनेशन भी है तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट किसी नो कंसीडर जाए एप्लीकेशन ऑफ चैरिटेबल इनकम, तो ये हम माइनस नहीं करेंगे, उसमें बैलेंस आ जाएगी अब आपकी टोटल इनकम, जिस इनकम 80,48,750. अब इसमें आप ऐड कर लीजिए अनोनिमस डोनेशन, देखिए टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, देखिए 25 हो गए, इट मीन दिस विल बी टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट. सो 80,73,750. नाउ वी आर सेइंग दैट ट्रस्ट वांट्स टू पे मिनिमम टैक्स. उस केस में आपको क्या करना है, तो अब आपको मेंशन करना है कि यदि ट्रस्ट को मिनिमम टैक्स पे करना है, इफ ट्रस्ट वांट्स टू पे मिनिमम टैक्स, देन इट हैज टू एक्यूमुलेट, फिर उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा इनकम ऑफ हाउ मच रुपीज, ये इसकी इनकम है जो अनोनिमस डोनेशन है उसके ऊपर को आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा. बैलेंस रहेगी 80,47,750, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन आपको मिलती है 250 की, इट मीन दिस इज कमिंग नाउ 80,48,750 माइनस 250, दिस इज 77,98,750. तो ये आपको एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी इनकम ऑफ दिस टू इन्वेस्ट
इन्हें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच आर स्पेसिफिक अंडर सेक्शन 11(5). एंड यू विल हैव टू इंटीमेट टू असेसिंग ऑफिसर दैट यू विल अप्लाई दिस इनकम एक्ट सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। तो ये हमें सारा मेंशन करना है क्वेश्चन में। तो इट मीन्स ये कैसे निकाल लिया आपने, ये हमने कैलकुलेट की है। टोटल इनकम जो आ रही है आपकी 80,48,750 माइनस कर बेसिक एग्जम्पशन 250 की, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर इंडिविजुअल के टैक्स रेट अप्लाई होते हैं, तो उसको बेसिक एग्जम्पशन मिल गई है 2.5 लाख की। तो इतनी इनकम आप अप्लाई करके लिए कुछ तरीके से आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि यू हैव टू गिव अंडर 4 कॉर्नर्स बट मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी। अब सिर्फ 25,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना है 30%, विच इज 7,500, और उसके ऊपर ऐड हो जाएगा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट ऑफ 4%। तो इट इज 7,500 इंटू 4% 300। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 7,800 रुपीज ओनली। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4(B)(5). तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अवर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो लेट अस सी, इसमें आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। कुछ आपकी फॉरेन इनकम है एंड कुछ इनकम आपकी है इंडियन। सो पर्सन इज गिवन, सो नेम ऑफ पर्सन इज मिस्टर नवीन, इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एज 52 ईयर्स। उसकी इनकम एक आपको दिया है रॉयल्टी इनकम अदर सोर्सेज से है, और उसकी बुक्स उसने मेंटेन की है कैश बेसिस के ऊपर, और आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है ड्यूरिंग करंट ईयर में 12.50 लाख। फिर एक आपकी इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कनाडा, म्यूनसिपल टैक्सी है आपके 10,000 विच इन नो अलाउड रिलेशन कनाडा में, उसकी रिलेशन नहीं मिली आपको। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसमें एक प्रोवाइज जैक टैक्स रेट इन कनाडा इज 15%, बट दिस इनकम इज आल्सो टैक्सेबल इन इंडिया। इट मीन्स एक आपका एग्रीमेंट भी है जिसके वजह से इनकम आपकी दोनों कंट्रीज में टैक्सेबल है। तो इट मीन्स फिर आपको फॉरन टैक्स रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको टैक्स का रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 91 में। तो स्टार्ट करते हैं लेगेसी डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। अमाउंट है आपका रुपीज में, तो सबसे पहले आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें आप देखिए आपको जो रेंट रिसीव हो रहा है, जिससे जो 2,40,000 ग्रोस है, विच इज आज ओवर ग्रोस एनुअल वैल्यू, लेस कर दीजिए आपको म्यूनिसिपल टैक्सेज, तो इंडिया में डिडक्शन मिल जाएगी आपको 10,000। बैलेंस इज 230 NAV, लेस आपको डिडक्शन मिल जाएगी एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A, इसे जो 69,000 बैलेंस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसे 161,000। नेक्स्ट वी हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो हियर वी हैव रॉयल्टी इनकम, ये आपको लेनी है कैश बेसिस पर, बिकॉज असेसिंग फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एंड दिस इज फ्रॉम कनाडा। तो दिस वाज आल्सो फ्रॉम कनाडा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम है आपकी दिस इज 12,50,000। फिर आपको मिल रहा है डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो किसी जो गिवन को भी 3,50,000, एंड दिस विल बी अवर टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम विच इज 1,761,000। फिर आपने एक एजुकेशन लोन लिया है, उसके ऊपर आपने पे किया है इंटरेस्ट, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन किसी अवर 80E4 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, सिर्फ आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। सो एजुकेशन लोन इज फॉर सन एंड दिस अमाउंट इज 24,000, बैलेंस इज अवर टैक्सेबल इनकम, जिसे 17,37,000।
अब आप इसके ऊपर टैक्स का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास फॉरेन टैक्स रेट तो दिया ही है आपको, और इंडियन टैक्स हमें पहले कैलकुलेट करने हैं, फिर देखते हैं उसका एवरेज टैक्स रेट क्या है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द टोटल टैक्स सो इन इंडिया। तो नॉर्मल आप प्रोविजन अप्लाई कीजिए, उन्होंने मेंशन किया ही है आपको असेसी गवर्नर ऑफ द सेशन 115 BAC, एक में नॉर्मल रूल आपसे अप्लाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट 250 के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं है, नील। नेक्स्ट 250 सो टैक्स रेट 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख सो टैक्स रेट 20%, देखिए 1 लाख। बैलेंस इनकम अबव 10 लाख 737,000, टैक्स रेट 30%। तो जैसे 221,100 जिसे अबर टोटल टैक्स 333,600। तो इस टोटल टैक्स में अब आप ऐड कर दीजिए, सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, जिसे 13,344। तो जिस विल टोटल टैक्स पेबल इन इंडिया 346 सो 944। ये आपका टोटल टैक्स है इंडिया में। फिर आपको रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 91, उसके लिए पहले कैलकुलेट करके हैं बट एवरेज इंडियन टैक्स रेट। बल्कि टोटल टैक्स इंडिया में आपका है 346,944 जब टोटल इनकम 1737,200। तो जैसे 19.97 375%, यानी बल्कि फॉरेन टैक्स रेट इन कनाडा ये आपको दिया है 15%। और कनाडा में आपके दो सोर्स ऑफ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी और एक है रॉयल्टी, पर दोनों का टैक्स रेट आपका सेम है। तो इतनी सब आपको रिलीफ मिलेगा एट अ लोअर ऑफ दिस टैक्स रेट। सो नाउ यू सी व्हाट इज डबली टैक्स इनकम। सो दिस विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। तो दिस इज कमिंग डबली टैक्स इनकम है आपकी हाउस प्रॉपर्टी 161 प्लस रॉयल्टी की 1250। सो टोटल इज बिकमिंग 14,11,000। इसके ऊपर आपको रिलीफ मिल जाएगा ऑन दिस 14,11,000 यू गेट ए टैक्स रिलीफ 15%। तो जैसे 211,650 बैलेंस इज टैक्स पेएबल। तो जिस अमाउंट की कमिंग 135,294। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, तो इट मीन्स नेट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 135,290 रुपीज। जिस जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएससी आफ्टर टैक्स रिलीफ। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वी हैव ए पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टीडीएस लाइबिलिटी। कुछ डिफरेंट सिचुएशन आपको दिए हैं, नंबर 1, 2, 3 को आपको कंप्यूट करनी है लाइबिलिटी फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एक्ट सोर्स। तो फर्स्ट केस देखते हैं लेकर से। तो फर्स्ट में जो मेंशन किया है नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट फंड है विच एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन के सेक्शन 1047, और उसमें आपको इंटरेस्ट है 4.5 लाख टू ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन USA। तो US कंपनी ने इंकर किया एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग दिस इंटरेस्ट। फंड आल्सो पेज इंटरेस्ट ऑफ 2.5 लाख टू मिस्टर आर हु इज अ रेजिडेंट ऑफ ए नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। तो एलिजिबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट फंड होता है उसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं विच इज एलिजिबल फॉर अंडर सेक्शन 1047 में, तो उस पर जो TDS का रेट है जैक इज अवर 5%। तो पहले लेते हैं हम, इट मीन्स वट इज अमाउंट ऑफ
TDS on interest which is eligible under section 1047, तो उसका जो है इट इज एट द रेट ऑफ 5% एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रोस इंटरेस्ट विदाउट एनी डिडक्शन फॉर एक्सपेंसिज. तो ग्रोस इंटरेस्ट है आपका 4,50,000, उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लीजिए 5%. सो दिस विल बी अवर 22,500 और प्लस उसके ऊपर ऐड हो जाएगा अब आपका HEC हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. सो टोटल बन जाएगा आपका 23,400. तो आप 4% कैलकुलेट कर लीजिए 22,500 तो इनको 4% जिसे जो 900 तो इतना TDS है. सेकंड आता है देखिए आप इंटरेस्ट पे करते हैं टू रेजिडेंट ऑफ NHA इट मीन्स इंटरेस्ट पेड टू आर रेजिडेंट ऑफ नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया NJA उसमें जो आपका TDS चार होगा दैट विल बी अंडर सेक्शन 94B. सो TDS अंडर सेक्शन 94B दैट विल बी एट द रेट ऑफ 30% और प्लस आपका HEC एट द रेट ऑफ 4%. देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ TDS इन दिस केस. तो इस पर्सन को देखो आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 2,50,000 तो उसके ऊपर आपका TDS का रेट है 30% 75,000 और उसके ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए HEC एट द रेट ऑफ 4%. तो जिस अमाउंट के लिए 3,000 तो टोटल TDS इसमें बन गया आपका 78,000. तो फर्स्ट आंसर के सेकंड आंसर ये 78,000 फर्स्ट पार्ट में. देन वी हैव सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में देखिए कमीशन की 40,000 की जिसे रिटेन बाय कंसाइनी एंड जिसे मोर देन 15,000 तो इसके ऊपर भी TDS चार्ज हो जाएगा. इट मीन्स अंडर सेक्शन 194H तो TDS का जो रेट है जैकली TDS एट द रेट ऑफ 5% ऑन कमीशन एक को भी चार्ज बट कुछ रिलैक्सेशन भी है क्योंकि कोविड नाउ दिस विल बी क्योंकि TDS का रेट है इसका आपने लेना है 75% अंडर सेशन. तो इसका सेशन है 197B. इट मीन्स ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन तो अभी रेट बन जाएगा आपका 3.75%. तो जिस कमीशन लीजिए मोर देन 15,000 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट को TDS ऑन 40,000 इनको 3.75%. तो जैसे 40,000 इनको 3.75% 1,500. अब ये जो पर्सन है जिसे जो रेजिडेंट तो उसमें हमारा HEC जो है वो कंसीडर नहीं होगा. देन वी हैव नंबर थर्ड पार्ट. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है हर शिक एम्प्लाई है जिसमें रिजाइन कर गया उसने विद्रू किया 80,000 फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एंड ही जो पैन इज अवेलेबल विद कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड. सो इन दिस केस अंडर सेक्शन 192A तो उसमें रूल है आपने विद्रॉ किया है प्रोविडेंट फंड से 80,000 देखिए मोर देन 50,000 एंड दिस इज ऑल्सो बिफोर 5 years बिफोर कम्प्लीशन सर्विस ऑफ 5 years तो उसमें TDS चार्ज होगा आपका 10%. तो इट मीन्स TDS इज एट द रेट ऑफ 10%. तो रीजन है क्योंकि जो आप अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000 जिसे मोर देन रुपीज 50,000 ये आपको मेंशन करना है पहले रूल में. यानी व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ TDS जिसे भी 80,000 के ऊपर आपका TDS आ जाएगा 10% रुपीज 8,000. किसी आल्सो रेजिडेंट पर्सन है तो उसमें HEC चार्ज नहीं होगा. देन वी हैव अ फोर्थ पॉइंट आल्सो. देखिए फोर्थ में आपको मेंशन किया है
परम कंस्ट्रक्शन सेल्स अ फ्लैट टू मिस्टर मनी फॉर रुपीज 48 लाख्स। एग्रीमेंट टू सेल आल्सो प्रोवाइड्स टू पे मेंटेनेंस चार्जेज हैं आपके 5000 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स इन एडवांस, रुपीज 2 लाख फॉर कार पार्किंग टू बी यूज एक्सक्लूसिवली बाई हिम एंड 1 लाख फॉर क्लब मेंबरशिप फीस टू गिस्मैन बिफोर द फ्लैट इज रजिस्टर्ड। वी हैव टू सी लेटर टीडीएस इज एप्लीकेबल। दिस इज अबाउट फोर्थ पार्ट। तो किसी जो केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप सेल कर रहे हैं फ्लैट की, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट इज सेल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें आपने सभी चार्जेस ऐड करनी है। तो आपका जो अमाउंट है सेल प्राइस 48 लाख है, प्लस जो आप एडवांस ले रहे हैं 24 मंथ्स का वो भी हम कंसिडर करेंगे, जैसे 1,20,000, जैसे 5,000 फॉर 24 मंथ्स, और प्लस जो आप रुपीज 2 लाख ले रहे हैं कार पार्किंग वो भी ऐड होंगे, और प्लस जो 1 लाख आप ले रहे हैं क्लब मेंबरशिप फीस जिसे आल्सो कंसीडर। ये आपका टोटल कंसीडरेशन माना जाएगा विच इज 52,20,000। नाउ जैसे मोर देन 50 लाख, इसका रूल है ये कवर होता है अंडर सेशन जिसमें 194 IA में। इसमें जब बायर कोई फ्लैट पर केस करके और उसने कंसीडरेशन पे करना है मोर देन 50 लाख, देन TDS इज एप्लीकेबल। तो बाकी अगर TDS रेट, TDS का जो रेट है आपका जैकल एट द रेट ऑफ 1%, बट ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन नाउ वी विल कंसीडर 75% अंडर सेशन 197B। तो बट द अमाउंट ऑफ TDS इन दिस केस ये बन जाएगा टोटल कॉन्सिग्रेशन 52,20,000, तो 1% का कर दीजिए 75%, विच इज 0.75%, दिस विल बी अमाउंट इन रुपीज 39,150। ये इन्होंने पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ TDS है जो आपको पे करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 2। उसमें आपको देखो दो कंपनी मेंशन की है, एक पारस लिमिटेड है ये इंडियन कंपनी है, और एक है सक्षम लिमिटेड जिसी जर्मनी कंपनी, जिसी जो इंडियन कंपनी एनर्जर ये सक्षम लिमिटेड जिसी जो जर्मन कंपनी। तो आपको ये मेंशन किया है इस केस में ये जो पारस लिमिटेड है इसकी टोटल बोरोइंग्स हैं जैसे कि गिवन्स टू बी अवर रुपीज 60 करोड़। अब फर्गर एक और आपको मेंशन किया है, जैसे पारस लिमिटेड रिसीव से बैंक गारंटी फॉर अवेलिंग कैश डायरेक्टली 9 करोड़ फॉर बी सक्षम लिमिटेड बाय गारंटर। तो सक्षम लिमिटेड ने एक गारंटी दी है, गारंटी ऑफ रुपीज 9 करोड़। पारस लिमिटेड को एक लोन चाहिए कैश क्रेडिट, और उसके लिए उसने गारंटी ली है सक्षम लिमिटेड ने। तो एक को आपको ये बताना है कि वेदर टू एंटरप्राइज या एसोसिएटेड और नोट। फिर आपको फर्गर मेंशन किया है पारस कंपनी एक ब्लैंकेट सेल कर रही है, ब्लैंकेट्स सोल्ड, उसका सेल प्राइस है एट द रेट ऑफ रुपीज 2,000 पर यूनिट, और सिमिलर टाइप के जो ब्लैंकेट्स हैं दीज आर ऑल्सो सोल्ड बाई पारस टू अदर कंपनीज इन जर्मनी एक्ट 2100। फर्गर इसमें जो क्रेडिट पीरियड है आपका, फिर आपको मैंशन किया है दीज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बट जो क्रेडिट पीरियड इस केस में है आपका 3 मंथ्स का, और इस केस में है आपका 1 मंथ, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 12% पर एनम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% आ रहा है। तो पहले चेक करके वैगर गैर एसोसिएटेड एंटरप्राइज और नो एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो ये आपका कवर होता है अंडर सेक्शन 92A सब सेक्शन 2। उसमें एक रूल होता है कि अब आपने गारंटी प्रोवाइड की है उसकी परसेंटेज चेक कीजिए, बाकी परसेंटेज ऑफ गारंटी देखिए प्रोवाइडेड बाई सक्षम लिमिटेड टू पारस लिमिटेड, जैसे कि 9 करोड़ की गारंटी की है, टोटल जो बोरोइंग्स हैं इसकी 16 है इनकू 100, जैसे कमिंग 15% एंड किसी मोर देन 10%
सेक्शन 92A में जो लिमिट है वो 10% से ज़्यादा जब वो करंटी देते हैं, इट मीन्स इट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये दोनों ही कंपनी जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी। अब देखते हैं हमें अपने ALP कैलकुलेट करना है, वो की अगर आर्म्स लेंथ प्राइस, तो ALP में देखिए आपका जो सेम प्रोडक्ट का सिमिलर प्राइस क्या है दूसरी कंपनीज को, वकील अगर प्राइस 4% तो अगर पर्सन से हम चार्ज कर रहे हैं 21 रुपीज पर यूनिट। बट ये कि इसमें क्रेडिट फैसिलिटी 1 महीने की है, इसमें हम दे रहे हैं उनको 3 महीने का, उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे, तो वो ऐड कर रखे हैं हम इसमें एट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कितनी क्रेडिट फैसिलिटी है, 2 महीने की एक्स्ट्रा है, तो इट मीन्स 2000 के ऊपर आपको कॉस्ट पड़ जाएगी 12% 2 महीने की, जैसे 40 रुपीज। तो इट मीन्स यदि हम कंसीडर करें या कंपेयर करें ओपन मार्केट प्राइस से, तो आपका प्राइस बनता है 2140। ये हमारा है आर्म्स लेंथ प्राइस। अब आप देखिए एक्चुअल सेल प्राइस क्या है आपका, बाय पारस टू गिस सक्षम लिमिटेड किसे 2000 एक्चुअल हम सेल कर रहे हैं रुपये 2000 जो तो ALP ग्रेटर है, इट मीन्स आपने लेस प्रॉफिट शो किया है। मीन्स अब आपको मैंशन करना है सिंस ALP जो ग्रेटर गए हैं एक्चुअल सेल प्राइस, उतनी जो प्रॉफिट है पारस लिमिटेड का गेटिंग अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट ऑफ पारस लिमिटेड विच इज इंडियन कंपनी इज अंडरस्टेटेड बाय हाउ मच अमाउंट जिस बाय रुपीज, जो इनका डिफरेंस आ रहा है आपका जिस एंड जिस 140 पर यूनिट। इतने सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी जो टोटल प्रॉफिट टू बी इंक्रीज, तो कितना प्रॉफिट आपने इंक्रीज करना है बाय अप्लाइंग ALP। तो आप देखिए कितने यूनिट्स आपने जो हैं ट्रांसपोर्ट किए हैं, टीचर 5 लाख ब्लैंकेट्स आपने सेल किए हैं, इट मीन्स इट विल बी 5 लाख यूनिट्स हैं ब्लैंकेट्स इनटू रुपीज 140। तो दिस विल बी अवर दिस इज 5 लाख इंटू 140, ये टोटल अमाउंट आपका बन रहा है जिसे रुपीज 700 लाख। तो इतना अमाउंट जो प्रॉफिट क्या है वो आपका अंडर स्टेक हो गया, तो इतने अमाउंट से हम उसकी इनकम को इंक्रीज कर देंगे। तो जिससे ये वर्क बेबर आस्किंग ALP की क्या एडजस्टमेंट होगी। फिर उन्होंने एक और पार्ट पूछा है, एज्यूम गेट द अबव एडजस्टमेंट जो ट्रांसफर प्राइस हैव बीन मेड सी यू मोको बाय पारस लिमिटेड इन इस रिकरन। अब पारस ने अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लिया अपने रिकरन में, यानी वो कि टाइम लिमिट फॉर रीपैकेजेशन सच एक्सेस मनी, तो अभी जो आपने एक्सेस मनी रिकवर करनी है सक्षम लिमिटेड से उसकी क्या टाइम लिमिट है। तो लेट अस सी जैकमन, तो उसका रूल आपको मैंशन करना है, ये हम शो कर रहे हैं वकील के टाइम लिमिट। तो दिस इज योर मैंशन अंडर रूल जैसे कि कैन CB, तो सब रूल 1 द एक्सेस मनी विच इज बाय अप्लाइंग ALP टू बी रिकवर्ड, वो आपको रिकवर करनी है जैसे विद इन 90 डेज, उसकी जो टाइम लिमिट है वो है 90 डेज फ्रॉम, और ये कंसीडर होगी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो आपकी ड्यू डेट है रिटर्न की, तो उसके बाद आपको 90 जैसा टाइम मिल गया और उसमें टाइम में आपको ये मनी रिकवर करनी है। तो सेकंड ईयर आस्किंग इफ एक्सेस मनी नोट रिकवर विद इन 90 डेज टाइम लिमिट जो है, यान वट विल बी इम्प्लीकेशन, उसकी देखो इम्प्लीकेशन क्या हैं मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इस मनी को रिकवर नहीं कर रहे हैं विद इन 90 डेज में, तो उसकी इम्प्लीकेशन है कि ये जो आपकी एक्सेस मनी है एक विल बी क्रिटिकल एज, सो एडवांस बाय तो पारस लिमिटेड टू सक्षम लिमिटेड, इट मीन्स फिर हम यूम करेंगे कि पारस ने एडवांस किया है सक्षम को
और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो आपकी इनकम बनी जाएगी पारस लेने की। सो ऑन दिस एडवांस इंटरेस्ट ऑन एडवांस सो फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिकरन, जो आपकी ड्यू डेट की रिकरन ऑफ इनकम की, तो उस डेट से जो इंटरेस्ट है विल बी कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ पारस पारस लिमिटेड, वो आपकी फिर इनकम मानी जाएगी इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का क्या रेट लेंगे हम, तो इंटरेस्ट रेट हम कंसीडर करेंगे एज पर रूल, सो कैन सी बी सब रूल को, तो इंटरेस्ट रेट जो आपने कंसीडर करना है तो दैट विल बी टेकन एज वन ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, जितनी कॉस्ट होती है फंड्स की वन ईयर की, जिसे जो लैंडिंग रेट ऑफ SBI, इट मीन्स SBI जिस रेट पे लैंग करता है फंड्स उसकी जो कॉस्ट है वन ईयर का जो लोन है, दैट विल बी कंसीडर्ड। और आपने करना है प्लस 3.25%, और ये हम लेते हैं एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, इसमें जैसे जो 1 अप्रैल को जो रेट होगा SBI का उसमें 3.25% ऐड कर लीजिए, उस रेट के बेस पर आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6A पाल को, तो उसमें जब उन्होंने 3 चीज़ें पूछी हैं आपसे, लिक्विडेटर अपॉइंट किया है कंपनी ने, तो आपको बताना है उसकी स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन से, रिस्ट्रिक्शन से एंड जो कॉन्सिक्वेंस है ये, तो लेके से दिस आंसर। सो नंबर ए पार्ट टू ऑब्लिगेशन है अंडर सेक्शन 171(1), लिक्विडेटर हैज टू गिव नोटिस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज, तो जैसे ही वो अपॉइंट होते हैं तो उसने इन्फॉर्म करना है असेसिंग ऑफिसर को विद इन 30 डेज में। जो रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन लिक्विडेटर कैन नॉट सेल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी अप टू अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, एंड बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इट मीन्स लिक्विडेटर कैन मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, कैन मेक पेमेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैन मेक पेमेंट टू सिक्योर डेट्स। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज, तो इफ लिक्विडेटर डज नॉट फॉलो सेक्शन 178, मीन्स उसने नोटिस नहीं लिया है, या उसने ये जो रिस्ट्रिक्शन की एसेट्स की ऑफ कंपनी की वो सेल कर गई है, उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसी होंगे, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन हो रही है सेक्शन 178 की, देन लिक्विडेटर विल बी पर्सनली लाइबल फॉर पेमेंट को टैक्स, जो भी टैक्स ड्यू है कंपनी का वो फिर लिक्विडेटर को पे करना पड़ेगा पर्सनली, एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 276(a). को इन 3 चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट लगे से सेकेंड पार्ट है इसके अंदर, फिर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 6B पार्ट, सो हियर यू आर आस्किंग एक्सप्लेन BEPS एंड व्हाट आर इट्स एडवर्स इफेक्ट्स, दिस इज आल्सो सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। तो BEPS का मीनिंग मेंशन कर लीजिए, ब्रीफ मीनिंग मैंने मेंशन किया है, सो किसी के टर्म विच इज यूज बाय OECD एंड इट रेफर्स टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ MNEs मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज ऑन नेशनल टैक्स बेसिस, तो मेन पर्पज जो क्या है कि जो MNE जो होती हैं अपना टैक्स प्रॉफिट को अवॉइड करनी है टैक्सेशन को, तो उसके लिए अपने कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, एंड इट एक्सप्लोर्स गैप्स एंड मिसमैचेज इन टैक्स रूल्स टू मेक प्रॉफिट से डिसअपीयर, जिस स्ट्रैटेजी से आपके प्रॉफिट डिसअपीयर हो जाते हैं तो उनको हमने जो है एक्सप्लोर करना है, ये हमारा बेसिक पर्पज है BEPS का। तो बता रहा एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, इट मीन्स जिसे जो अनफेयर लैक ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम मिलता है उससे लैक होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, एंड इंडिविजुअल्स बियर हायर टैक्स बर्डन, एंड न्यू बिजनेसेस फेस कॉम्पिटिशन विद MNE, तो इसका पूरा नाम था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट देखें सी पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6C पार्ट, इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं लेकिन सी वन बाई वन। नंबर 1 गैर आस्किंग व्हाट आर अप्रोचेज फॉर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, इसके हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, OECD मॉडल कन्वेंशन एंड UN मॉडल कन्वेंशन। सो OECD मॉडल की बेस्ड ऑन रेजिलियंस एंड UN मॉडल की सोर्स बेस्ड मॉडल,
देन दे आर आस्किंग मतलब मीनिंग ऑफ ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन है कि इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन है. सो ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन आएगी व्हेन सोर्स रूल ओवरलैप्स, एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन आएगी व्हेन सेम इनकम इज टैक्स्ड इन टू और मोर स्टेट्स. तो सेम इनकम आपकी डबल टैक्स से हो रही है टू और मोर स्टेट्स में. एंड हाउ यू कैन सोल्व प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, तो दिस कैन बी सोल्व बाय फॉर्मेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज विच आर कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स. इस वीडियो में हमने डिस्कस किए सभी क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स से जो एग्जाम्स में अपीयर हुए थे जुलाई 2021 में. तो आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.